कुछ इस तरीके से इसकी लुक आएगी यहाँ पे लगने के बाद। अच्छी एलईडी है, डिजाइन है इसका ऊपर की तरफ से। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है आपका, जिसका नाम है एंजॉय कर समित। तो गाइज, आज मैं आपके लिए कुछ नई मॉडिफिकेशन लेके आया हूँ बाइक में, जो मैंने अभी तक नहीं की। वो काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था, कुछ टाइम की कमी थी और कुछ मुझे वो पार्ट्स नहीं मिल पा रहे थे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर दूँ, जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने एक नया सीट कवर बनवाया था, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि उस टाइप का मुझे बनवाना है, जिससे कि सीट हमारी मोटी भी ना हो, थोड़ा बहुत कंफर्ट भी हो जाए और दिखने में भी अच्छी लगे। सो आप कमेंट करके बता देना कि ये सीट कवर कैसा लग रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइज, ये सीट कवर देखिए कैसा लग रहा है। इसमें हमारा थोड़ा बहुत कुशनिंग भी किया गया है और साथ में इसके राइडर के लिए भी और प्लेन के लिए भी थोड़ा सा बैकरेस्ट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कैसी लुक आ रही है बाइक की। और कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है इसका ऊपर की तरफ से। ये स्टिचिंग नहीं है, ये सिर्फ एक डिज़ाइन है, क्योंकि स्टिचेस की वजह से पानी सीट कवर के अंदर जाता है, और जो कि काफ़ी दिनों तक गीला रहता है, इस वजह से सूखता भी नहीं है। तो मैंने स्टिचिंग वाला डिज़ाइन नहीं लिया, इस वजह से मैंने ये वाला डिज़ाइन लिया जो कि आगे राइडर के लिए है और पीछे प्लेन वाला बिल्कुल प्लेन है। और आप देख सकते हैं कि इसमें बैकरेस्ट भी है, जो कि आपको थोड़ी बहुत लॉन्ग राइड्स पे ये थोड़ा कंफर्ट फील कराएगा, आप थोड़ा सा इसके सहारे होके बैठ सकते हैं। और ऐसा ही पिलियन के लिए भी है और दिखने में आपको ये कुछ ऐसा लगेगा। सो गाइज, ये कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बता देना। और दिखाता हूँ आपको मैं क्या करने की सोच रहा था, और काफ़ी दिनों से वो मुझे पार्ट्स नहीं मिल पा रहे थे लेकिन वो अब अवेलेबल हो गए हैं, चलिए उसको दिखा देता हूँ आपको। तो गाइज, ये है वो पार्ट, आप देख सकते हैं और देखने से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है। ये है हमारा थाई पैड, जो कि हमारी बाइक में कुछ यहाँ लगेगा और ये जावा की लुक के ऊपर भी जाएगा। ये स्पेशल जावा के लिए बना हुआ है, 3M की टेप लगी हुई है, जिससे कि आपकी बाइक में अगर बाई चांस आप उसको उतारते हुए तो कोई स्क्रैचेस या फिर कोई निशान नहीं रहेगा, ना पेंट हटेगा। तो कुछ इस तरीके से इसकी लुक आएगी यहाँ पे लगने के बाद। तो गाइस, अब हम इसको लगा लेते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें, बस ये डबल टेप लगानी है यहाँ से। तो मुझे अब इसकी पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट लग रही है और अब मैं इसको अच्छे तरीके से चिपका देता हूँ। अब देखिए, मुझे कुछ नहीं लगाना पड़ा, एक 3M की टेप जो इसमें लगी हुई थी बस वही लगी हुई है। और उसके बाद थोड़ा सा इसको होल्ड करके रख लेंगे हम पाँच मिनट अभी नहीं, बस 2 मिनट। तो गाइस, काफ़ी इजी स्टेप था, आप देखिए दोनों तरफ ये लग गया है। और जो भी पार्ट्स लगा रहा हूँ कब, प्लीज़ कमेंट करके उसको बताना ज़रूर कि वो अच्छा लगा या बुरा लगा, अदरवाइज़ मैं इसको हटा भी सकता हूँ अगर आप कहेंगे तो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना ये पार्ट कैसा लग रहा है। तो एक पार्ट और है जो मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से लगाने की, लेकिन मुझे सही पार्ट्स उसका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हैंडल की भी मुझे यहाँ पे देखना था जगह की कितनी खाली है कितनी नहीं, वो उसी हिसाब से लगता। मैं आपको एक बार अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ उसकी। हमारी मेन एसेसरीज है ये। सो कुछ इस तरीके से इसकी लुक है, आप देख सकते हैं सिंगल साइडेड है और अच्छी क्वालिटी है इसका पेंट, जो आप देख सकते हैं आप। और इसके अंदर की एलईडी मैं आपको एक बार जला के दिखा दूंगा, जो कि हमारे इंडिकेटर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और अंदर से फिनिश, क्योंकि जो पूरे बड़े वाले आते हैं KTM की तरह, उसके लिए यहाँ पर मैंने कई बार ट्राई किया वो नहीं लग पाया, क्योंकि यहाँ पर हैंडल हमारा भरा हुआ भी है और कुछ ये डिस्क ऑयल का जो ये बोल्ट है वो लगता था, इस वजह से वो लंग नहीं लग पा रहा था। तो हमें क्या करना है, अब हमें ये जो साइड मिरर हैं वो उतार देने हैं। वैसे मैं इसके साथ भी लगा सकता हूँ, लेकिन इसके साथ लगाने के लिए हमें जो ये बोल्ट है वो काफ़ी बड़ा चाहिएगा। सो वो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर में मेरे पास जब भी अवेलेबल होगा मैं बार एंड मिरर भी उसके साथ लगा लूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। तो मैं ये बार एंड मिरर हटा के आपको ये जो हैंड प्रोटेक्टर हैं वो लगा के दिखाता हूँ, और साथ ही उसका जो कनेक्शन है मैं इंडिकेटर में करके दिखा देता हूँ, जो कि हमारे हैजर्ड और इंडिकेटर के साथ जलेंगे और काफ़ी अच्छे लगेंगे दिखने में, जिसकी वीडियो मैं आपको थोड़ा सा नाइट में बना के भी दिखा दूँगा, वो इस वीडियो में ऐड कर दूँगा। तो चलिए अब इसकी फिटिंग कर लेते हैं, और कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। ये जो बार एंड मिरर के जो बोल्ट हैं ये वाले खोल देने हैं, जिसकी हमारे एलन की अपने बाइक के साथ मिलती भी है और आप अलग से भी मार्केट में ले सकते हैं, 5mm वाली ये एलन की लगती है। और ये कुछ ऐसे फिटिंग्स के साथ आता है, जो कि सिर्फ जावा के लिए नहीं, वो हर बाइक में ये फिट हो जाएगा। अगर बाई चांस आप स्प्लेंडर वगैरह में भी फिट करते हैं तो ये वहाँ पर भी फिट हो जाएगा।
क्योंकि ये जो बोल्ट है ये कुछ इस तरीके का है, आप इसको कसोगे तो ये चौड़ा हो जाएगा और जो उनका पाइप होता है खाली वाला तो उसमें भी कनेक्ट हो जाए, लेकिन ये जो बोल्ट है ये हमारी जावा के लेने, तो हम जो अपना ओरिजिनल वाला है वो इसमें फिक्स करेंगे। तो गाइज़ इसकी जो फिटिंग है मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ कि मैंने इसके आगे पहले दो एक लूज़ बोल्ट लगा दिए ताकि जो हमारे हैंडल में जो यहाँ पे गैप है उसको ये फिल कर सकें और जो ये आराम से टाइट हो सकें। इसको अच्छे से टाइट कर दिया, आप देख सकते हैं जो हमारा ओरिजिनल वाला था वही वाला बोल्ट लगा दिया, और जो दो वोल्ट मैंने फ्री वाले लगाए थे वो इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा गैप, ताकि हमारा ये जो दूसरी तरफ का रेस वाला है वो बिल्कुल फ्री चल सके। सो एक तो लग गया हमारा, सेकंड भी सेम ऐसे ही लगा लेते हैं। सो गाइस हैंड प्रोटेक्टर हमारे लग चुके हैं, बाकी इसके ये जो वायर हैं वो एलईडी के वायर हैं, तो इसकी एक बार मैं कनेक्शन कर देता हूं और उसके बाद मैं आपको जला के भी दिखाऊंगा कितना बढ़िया लगा है, क्योंकि जो इसके एलईडी है वो काफ़ी अच्छी डीआरएल है और बिल्कुल भी उसमें पॉइंट या बल्ब का नहीं दिखाई देता, तो इस वजह से रात को जलने के बाद और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सो एक बार मैं वो फिट कर देता हूँ, और ये जो वायर हैं वो यहीं से मैं इसको अंदर की तरफ करता हुआ और जो अंदर अपने हेडलाइट के अंदर जो इंडिकेटर के कनेक्शन हैं उसमें डाल दूँगा और कनेक्ट कर दूँगा। तो पहले ये काम कर लेते हैं। तो गाइज ये कुछ इस तरीके के इंडिकेटर के स्विच होंगे यहाँ पे, और ये दोनों हैं, और आपको क्या करना है ये ओपन करके ये जो वायर हैं एलईडी वाले जो मैंने हैंड प्रोटेक्टर लगाए हैं उसके वायर को साइड से डाल देना है अंदर और वापस से इसको अंदर फिक्स कर देना है, कोई कटिंग नहीं करनी कुछ नहीं करना, और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से इसका इंडिकेशन चालू हो जाएगा। देखिए आप कितनी अच्छी एलईडी है। अब मैं एक बार दूसरे साइड का भी लगा लेता हूं और उसके बाद मैं आपको एक बार सिनेमैटिक दिखा दूंगा बढ़िया वाला, जो कि आपको पूरी बाइक दिखेगी और कैसी लगेगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो गाइस तीनों एक्सेसरीज मैंने लगा दी है जावा पे, उससे पहले मैं आपको एक सिनेमैटिक शॉट दिखा देता हूँ। ये मॉडिफिकेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना, और जो हैंड प्रोटेक्टर है, सीट कवर है और जो थाई पैड है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा, और बाकी आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर अभी पेज पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और जितनी भी डिटेल मैं आपको दे सकता हूँ वो आपको ज़रूर दूँगा। तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं फिर किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।